तो 67वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर बीपीएससी की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। 11 बजे तक परीक्षार्थी केंद्र पर पहुंच जाएंगे और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर नजर रखने के लिए अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रश्न पत्र लीक ना हो इसके लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी पटना में सुरक्षा के तमाम दावों के बीच अपराधियों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। इस बार बेहटा के अहमदाबाद में सोन नदी से अवैध बालू निकासी को लेकर दो गुटों में खूनी झड़प हुई। दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर सैकड़ों राउंड गोलीबारी हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौत की भी जानकारी सामने आ रही है। गोली लगने से कई लोग घायल भी हुए हैं। खबर यह भी है कि गोलीबारी में मारे गए सभी लोगों के शव को माफिया के लोग उठाकर अपने साथ ही ले गए। इस मामले में पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। फिलहाल पुलिस को मौके से कोई शव तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये खोखा दर्शा रहा है कि किस तरह से बालू घाटों पर वर्चस्व को लेकर दो गुटों में भिड़ंत हुई और किस तरह से माफिया जो अवैध बालू के कारोबार में संलिप्त रहते हैं वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ऐसे प्रतिबंधित हथियार भी रखते हैं जो आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं। पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती कि इस तरह से माफिया के खुलेआम वर्चस्व की लड़ाई को रोका जा सके। हालांकि इस मामले में 4 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस को किसी का शव नहीं मिला है। ऐसे में आधिकारिक तौर पर गुटों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर जो स्थिति बनी है उसकी पुष्टि करने में पुलिस सक्षम नहीं है, लेकिन पुलिस का दावा है कि हर बिंदु पर जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी जानकारी सामने आ रही है उन जानकारियों के आधार पर पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हुई है। बालूघाट के वर्चस्व को लेकर खूनी जंग का यह मामला, दोनों गुटों की ओर से सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई। रोक के बाद भी बालू का अवैध खनन जारी है और इसी अवैध खनन में माफियाओं में भिड़ंत हो गई वर्चस्व बनाने को लेकर। वारदात के बाद शव भी उठाकर ले गए माफिया और उसके सदस्य। मामले में कुछ भी बोलने से स्थानीय पुलिस बच रही है। सूचना वहां से मिला है कि 4 आदमी का मौत, 4 आदमी। पुलिस घटनास्थल पर भी नहीं पहुंच पाई है, अभी भी गोलीबारी हो रही है। नहीं, गोलीबारी अभी नहीं हुई है। वहां से लोकल लोग बताए कि लोग भाग गए हैं, पुलिस वहां पहुंच रहे हैं। कोई जख्मी भी इसमें है? घायल भी कई लोग बताए। जख्मी अभी तक सूचना नहीं मिला, 4 को मौत है। हाँ, सूचना वहां से मिला। क्या 4 व्यक्तियों का? एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ भी है और इसके तहत, लेकिन अभी तक कोई बॉडी इसमें रिकवर नहीं हुई है। फायर की जा रही है अभी आम घाट में, और जो बालू खनन हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी बालू खनन भी किया जा रहा था, उसके तहत जो है FIR रजिस्टर की जा रही है। उसके बाद जैसे जैसे कंप्लेंट्स आएंगी, अभी तक कोई थाना पे हमारी कोई कंप्लेंट नहीं आई है किसी की मरने की। जैसे कंप्लेंट आएगी उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी पंकज हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं। पंकज, बालू घाटों पर वर्चस्व को लेकर दो गुटों में भयावह स्थिति बन गई, कई राउंड गोलियां चली, 4 की मौत की बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं बता रही है। जांच पड़ताल में अब तक क्या ताजा जानकारी मिली है? ये देखिए, ताजा जानकारी यही है कि मृतकों की संख्या अब 5 हो गई है, जो कि एक जो शव अब बरामद भी किया गया है, जो कि कोइलवर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वे लोग लेकर गए थे, वहां पर पुलिस के द्वारा दबिश दी गई तो एक शव को बरामद किया गया। हालांकि बाकी के अभी और 4 शव कहां हैं ये पुलिस को भी मालूम नहीं है। हालांकि पुलिस इस बाबत जांच कर रही है, सारी चीजों को देख रेख कर रही है, लेकिन जो माफियाओं के बीच में जो, यानी यूं कहें कि पीले सोने का जो खेल में जो ये इतनी बड़ी गोलीबारी हुई है, इसलिए तो आम तौर पर ये हमेशा छोटे मोटे इस जगह पर हमेशा होते रहते थे, पीले सोने को लेकर हमेशा आपस में दो गुट। बिल्कुल, तो पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है कि इस तरह से अवैध बालू माफियाओं पर नकेल कसा जाए और इस तरह के हिंसक स्थिति बनने से रोका जाए। धन्यवाद पंकज, नजर बनाए रखें।